कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सेल्फ डिफेंस और स्टोरी टेलिंग जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज। एडमिशन ओपन एट प्रेसिडेंसी स्कूल, जयपुर रोड, गीगल, अजमेर। शहीद पवन कुमार और उसके साथी भाई ओंकार और इसाक, तीनों ने जो शहादत दी, इस देश में जिस तरह नशाखोरी और आतंकवाद बढ़ रहा उसको रोकने में उसने शहादत दी। उसी की आज पहले पुण्यतिथि थी, उसी में उनके परिजनों, यहाँ के नगर परिषद, यहाँ के विधायक जी, इन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और इस चौक को शहीद पवन कुमार के नाम से रखा गया। मैं उनके लिए इसकी यादों को हमेशा आने वाली नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी। और ऐसे शहीद के नाम पे मेले भरते हैं, शहीद की मूर्तियां लगती है, बाकी तो जीना सबको है। आज 5-6 पीढ़ी के बाद अपने परिवार के दादा परदादा के नाम लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसने, पवन ने जो शहादत दी उससे आजीवन जब तक देश रहेगा पवन का नाम रहेगा। बहुत बड़ी प्रेरणा का काम उसने किया। इस दुखी घड़ी में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ताकत दे और उनकी आत्मा को चरणों में जगह दे। आपने खुद ने भी पुलिस ट्रेनिंग दी, पुलिसिंग को चैलेंज रहता हमेशा? देखो, आंतरिक सुरक्षा पुलिस के जिम्मे होता है, बाहरी सुरक्षा आर्मी के जिम्मे होती है, आंतरिक सुरक्षा पुलिस के जिम्मे होती है। उसमें बखूबी अगर पुलिस ईमानदारी पवन की तरह, भाई ओंकार की तरह, ईसा की तरह निभाए तो निश्चित रूप से आम जन में विश्वास बढ़ता है, अपराधियों में खौफ बढ़ता है। उस काम को, पुलिस के जो कर्तव्य है उनको भाई पवन ने निभाया।